पहला सवाल है कि 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो पहले तो यूरोपीय राष्ट्र जो 11 हैं, ये स्टार्टिंग की बात है, ये आज की बात नहीं है। यूरोपीय संघ एक बना है, उस यूरोपीय संघ में अगर आप यूरोपीय संघ की बात करें तो कुल 28 देश हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं इस यूरोपीय संघ में। इसी संघ को लेके इस समय थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है और ब्रिटेन इस संघ से एग्जिट मारना चाहता है, बाहर मारना होना चाहता है, तो उसी को आप ब्रेक्जिट भी कहते हैं। काफी चर्चा का विषय है इस समय ये मुद्दा कि 28 देश इसमें रहेंगे नहीं रहेंगे। इन सारे देशों ने जो साझी मुद्रा स्वीकार की गई थी इसे नहीं स्वीकारा है, बल्कि मात्र और मात्र 19 देशों ने इस साझी मुद्रा, मतलब जैसे सारे 19 देशों ने एक ही मुद्रा को स्वीकार किया है और उस मुद्रा का नाम है यूरो। लेकिन जब पहली बार इस यूरो के बारे में डिसाइड किया गया तो इसको नाम मिला यूरो 1995 में। कब? 1995 में। और इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया 1 जनवरी 1999 को। ठीक, तो 1 जनवरी 1999 को इसे मात्र 11 देशों ने स्वीकार किया था। वर्तमान समय में उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 19। और यूरोपीय संघ में कुल देशों की संख्या कितनी है? 28। क्लियर? तो मेरे समझ से इस क्वेश्चन का सारा ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया है और चलते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कोई सामान 100 रुपए का है, निर्माण में 100 रुपए की लागत आई, पहले स्तर पर जब बिक्री हुई तो 10% इस पर लाभ लिया गया और 110 रुपए का बिका, तो मूल्य कितना बढ़ा? 10 रुपए। ठीक, तो बेसिकली हर स्टेप के बिक्री पर मूल्य का बढ़ना क्या कहलाता है? वैल्यू का ऐड होना। क्या कहलाता है? वैल्यू का ऐड होना। और यह प्रणाली सबसे पहले लगा अपनाई गई थी 1954 में, 1954 में अपनाई गई, और उसको अपनाने वाला देश था फ्रांस। है कहीं विकल्प में? वेरी गुड। और फ्रांस का एक अर्थशास्त्री है मैरिस लोरे। क्या नाम है उसका? मैरिस लोरे ने इस कॉन्सेप्ट को पैदा किया और इन्होंने ही इसे लागू करने में फ्रांस में मदद की और 10 अप्रैल 1954 से यह फ्रांस में लागू हो गया। धीरे धीरे फ्रांस की व्यवस्थाएं चलते हुए भारत में आई और 1 अप्रैल 2005 कब? 1 अप्रैल 2005 को इसे भारत सरकार ने भी अपना लिया। और भारत सरकार ने जब अपनाया तो हर राज्य स्वतंत्र था इसको अपनाने के लिए, और भारत के सारे राज्यों में हरियाणा पहला राज्य बना जिसने इस वैल्यू एडेड टैक्स को अपनाया। धीरे धीरे टैक्सेशन में और सुधार किया गया और 2017 में एक नया टैक्स सामने आया और वैल्यू एडेड टैक्स का अंत हो गया। क्लियर? तो वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले 1954 में फ्रांस के द्वारा अपनाया गया और इसके जनक रहे मैरिस लोरे। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी क्या है? बहुत बढ़िया, बेहतर सवाल, देखने में आसान, लेकिन अभी इसकी व्याख्या जब होगी तब पसीने छूटेंगे। इसे आप कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, वस्तु एवं सेवा कर है ये। क्या है? वस्तु पर भी लगाई जाती है प्लस सेवा पर भी यह अपनाया जाता है। क्लियर? अब टैक्सेशन की बात करें तो दो प्रकार की टैक्स प्रणाली है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले इसे जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार भी वही उठाता है, मतलब चुकाता भी वही है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत है ये लगाया किसी और के ऊपर जाता है लेकिन चुकाता कोई और है। तो जीएसटी एक ऐसा ही टैक्स है जो लगाया किसी और पे जाता है और चुकाता उसे आम आदमी है, हम और आप।
क्लियर। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अब आते हैं कि जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई। तो कर के मामले में जब भी बात फंसे तो तुरंत निकल जाइए फ्रांस। वैल्यू एडेड टैक्स के साथ जीएसटी की भी शुरुआत फ्रांस से भी हुई और सन भी वही था 1954। ठीक, तो जीएसटी 1954 में सबसे पहले कहां आया, फ्रांस में। और फ्रांस के बाद अगर देखें तो तमाम दुनिया के देशों ने अपनाया इसे, बहुत बेहतरीन टैक्सेशन प्रणाली है। भारत ने इसे 2017 में अपनाया और वो दिन था 1 जुलाई। 1 जुलाई को इसे भारत ने अपनाया, 1 जुलाई 2017। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को बहुत उठापटक करनी पड़ी और इसके लिए सन 2016 में एक संवैधानिक संशोधन पास किया गया, जो आप अधिनियम के तौर पे देखें तो वह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, लेकिन अगर प्रपोजल के तौर पे देखें तो 122वां विधेयक है। क्या है, विधेयक। ठीक, तो याद रहे कि अधिनियम संख्या 101, संविधान संशोधन नियम 101 जो 2016 में हुआ, जीएसटी से जुड़ा हुआ है, और अगर विधेयक पूछता है बिल तो वो होगा 122 नंबर। क्लियर, चलते हैं हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन हम करते हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं तो हम चले आते हैं भारत में सीएसओ की तरफ। सीएसओ भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटता है, एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। ठीक, ये 3 क्षेत्र को फिर तीनों मिलाकर के 14 उपक्षेत्रों में बांटता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को 4 हिस्से में, द्वितीयक क्षेत्र को 3 हिस्से में और तृतीयक क्षेत्र को 7 हिस्से में। प्राथमिक के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। पहला है कृषि, दूसरा है वन उद्योग, वन उद्योग और लट्ठा। ठीक, तीसरा है पशुपालन और मत्स्य पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन। और चौथा क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है, कौन सा, खनन और उत्खनन, खनन। क्लियर, तो ये 4 क्षेत्र हो गए। अब आ जाइए उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग दूसरा जो क्षेत्र है इसमें 3, पहला है निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा है विनिर्माण उद्योग, फिर से कोई चीज बना रहे हैं, विनिर्माण उद्योग, और तीसरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है वो है ऊर्जा और जलापूर्ति। क्या है, ऊर्जा और जलापूर्ति। क्लियर, तो ये 3 सेक्टर हो गए आपके। अब आपका बचा 7, ये तृतीयक सेक्टर जिसे 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तृतीयक सेक्टर को डिफाइन कर देंगे इधर, नहीं तो यहां पे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए, प्राथमिक के 4, आपको तृतीयक क्षेत्र ढूंढना है, हमने 2 सेक्टर बताए, तृतीयक सेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। थर्ड सेक्टर कौन सा है और उसमें 7 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, पहला कौन सा होगा। ठीक, पूछा है, 4 विकल्प है, कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी, चीनी उद्योग। ठीक, तो यहां पर बैंक, बीमा और संचार, ये 1 सेक्टर ये हो गया। दूसरा रेलवे, यातायात या परिवहन, मिल गया आपका उत्तर। ठीक, उत्तर आपको मिल गया, वस्तुओं का परिवहन। तो ये तृतीयक क्षेत्र में कौन होगा, परिवहन, मिल गया उत्तर आपको। लेकिन आपको 5 सेक्टर और बता देते हैं हम। तीसरा है सार्वजनिक प्रशासन, जो आपके डीएम साहब, कलेक्टर साहब हैं, वो सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो सार्वजनिक प्रशासन इसमें सम्मिलित होगा। क्लियर, चौथा सेक्टर आपका होगा कौन सा। ठीक, व्यापार, होटल, रेस्तरा, रेस्टोरेंट, ठीक, जिसे आप कहते हैं जलपान गृह। पांचवा सेक्टर इसमें कौन सा होगा, बैंक, बीमा, संचार, रेलवे, यातायात, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, व्यापार, होटल, रेस्तरा, विदेशी संव्यवहार, विदेशी व्यवहार। ठीक,
छठा सेक्टर इसमें होगा कौन सा, कोई बता सकता है? छठा सेक्टर आपका होगा आवास या स्थायी संपदा। आवास, ठीक, जो किराए पर आप लोग घर लेते हैं वो सर्विस में आता है। सातवां सेक्टर बहुत बड़ा है लेकिन लिखा सबसे छोटा जाता है, उसको कहते हैं अन्य। मतलब इनमें से जो बचा कुचा हो वो शामिल कर लो, ठीक। तो ये सात सेक्टर है, आपको राइट आंसर मिला वस्तुओं का परिवहन, क्लियर। चलते हैं आपके पांचवें सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का की जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना या नए मकान का निर्माण। मैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताता हूं, उत्तर आप बता दीजिएगा कि एक वित्तीय वर्ष आपका कब से कब होता है? आपका वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्लियर। ये आपका फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य मॉनेटरी प्राइस, यही है राष्ट्रीय आय। तो यहां पर देख याद करिए, उत्पादन होना चाहिए। अगर भूकंप पीड़ितों को सहायता देते हैं तो मुद्रा का हस्तांतरण हो रहा है, उत्पादन नहीं, ठीक। किसी बच्चे को जेब खर्च देते हैं तो बच्चे ने कोई कमाई नहीं की बल्कि क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ। लॉटरी में कोई पुरस्कार जीत लिया आपने तो वहां भी मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई बिना किसी काम किए। लेकिन जब आप नए मकान का निर्माण करते हैं तो श्रम भी लगता है और पूंजी भी लगती है और उत्पादन भी होता है। तो नए मकान का निर्माण क्या है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, क्लियर। तो विधिवत याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही होता है? आय में उपभोग और निवेश जुड़ा हुआ है, भाई जो हम यूज करते हैं और जो हम लगाते हैं इनको जोड़ दिया जाए तो क्या आय आएगा? जी नहीं, निवेश और उपभोग को जोड़ देने पर जो है पूरी राष्ट्रीय आय नहीं निकल सकती। उपभोग और बचत को जोड़ दें तब भी पूरी राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगी, यहां पर अभी कुछ अभाव है। बचत को निवेश से जो है, क्या जितनी आपकी बचत होती है वह टोटल का टोटल आप इन्वेस्ट निवेश करते हैं कहीं ना कहीं? जी नहीं, कुछ उपभोग भी करते हैं। आपकी जो कुल आय होती है उसमें से कुछ हिस्सा आप उपभोग करते हैं, कुछ हिस्सा आप बचत करते हैं और कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपकी आय मतलब उपभोग, निवेश और बचत, ये तीनों चीजें आय में सम्मिलित होती है, क्लियर। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक, रेयर करेंसी। भाई दुर्लभ कोई भी वस्तु है मतलब आसानी से मिल नहीं रही है, और कोई चीज आसानी से अगर नहीं मिलती तो दो कारण होते हैं, एक उसका उत्पादन कम है, उत्पादन का मतलब पूर्ति कम है, दूसरा कारण हो सकता है मांग अधिक है, सप्लाई है लेकिन जितना सप्लाई है उससे मांग अधिक है। दोनों एक जैसी अवधारणाएं हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बस दोनों अलग अलग चश्मों से देखी जा रही है, ठीक। तो चार विकल्प देख लेते हैं। ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है, भाई ऋण जो लोगे वो मुद्रा चुकाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसे दुर्लभ नहीं कहेंगे। ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, सोने के रूप में मुद्रा है, सोना पर्याप्त मात्रा में अगर किसी देश के पास उपलब्ध है, दक्षिण अफ्रीका जैसा देश, तो वहां तो सोना दुर्लभ मुद्रा नहीं है, वहां सुलभ मुद्रा है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, कतई नहीं, ये तीन के तीनों विकल्प चले गए। चौथा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, मतलब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनकी डिमांड लगातार बनी रहती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि दुर्लभ मुद्रा। ये प्रायः कौन सी मुद्रा है, ये मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं, जैसे आपके अमेरिका का डॉलर या पौंड या फिर जापानी येन, क्लियर।
ये मुद्राएं कैसी हैं? ये दुर्लभ हैं, या आप कह लें SDR स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF की मुद्रा है, ये भी एक प्रकार की दुर्लभ मुद्रा है। क्लियर, चलते हैं आठवें सवाल की तरफ। ये रहा आपका आठवां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो आपको राष्ट्रीय आय का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि 1868 में सबसे पहला प्रयास किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नरोजी के द्वारा। नरोजी साहब ने राष्ट्रीय आय बताया 340 करोड़, NI बताया इन्होंने 340 करोड़। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय PI बताया इन्होंने 20 रुपए प्रति वर्ष। प्रति व्यक्ति आय निकली, ठीक, प्रति वर्ष बताया, लेकिन ये गणना वैज्ञानिक नहीं थी। इसके बाद मिस्टर VK RV राव महोदय ने इसका वैज्ञानिक आकलन किया 1934 में और इन्होंने 76 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई NIC नेशनल इनकम कमेटी, जिसके चेयरमैन बनाए गए PC महालनोबिस। महालनोबिस साहब चेयरमैन रहे इसके, VK RV राव DR गाडगिल साहब इसके वाइस चेयरमैन रहे। इस NIC ने बताया कि आपकी जो है नेशनल इनकम है NI 8650 करोड़। कितना? 8650 करोड़। और PI बताया कि 246 रुपीज एंड 90 पैसे, 246 रुपए 90 पैसे। और इसी NIC के रिकमेंडेशन पर, NIC ने रिपोर्ट दिया था 1951 में, और इसी के रिपोर्ट पर 2 मई 1951 को आपके यहां एक संगठन बनता है, क्या, जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कब स्थापित हो रहा है? यह स्थापित होगा 2 मई 1951 को। और CSO जो 2 मई 1951 को स्टेबल होगा, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, और यह संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करता है, मतलब एकत्र करता है, फिर गणना करता है, संगणन करता है, फिर उसके बाद उसका प्रकाशन करता है। ये तीनों काम इसका है। प्रकाशन के लिए इसके एक वर्ष, हर वर्ष एक बुक निकालता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ठीक। इसी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम की बुक को आप व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र भी कहते हैं। क्लियर, तो आपका राइट आंसर होगा CSO। क्लियर, चलते हैं हम लोग अपने नौवें सवाल पर। जी हां, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय, CSO वित्त मंत्रालय, या आर्थिक मामलों का मंत्रालय? ठीक, तो वित्त मंत्रालय प्रायः कई प्रभागों में बटा होता है, वाणिज्य मंत्रालय भी कई विभागों में बटा होता है, CSO एक संगठन है जो 1951 में स्थापित हुआ, और आर्थिक मामलों का कार्य मंत्रालय ये वित्त मंत्रालय का ही एक अंग होता है। क्लियर, तो आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष वित्त मंत्री राष्ट्रपति के अनुशंसा पर जो है अनुच्छेद 112 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 112 के तहत क्या ले आता है? बजट, ठीक। और बजट भाषण के बाद ये क्या करता है? आर्थिक समीक्षा रखता है। क्या रखता है? आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा का मतलब होता है कि पूरे वर्ष भर जो कार्य विगत वर्ष में हुए हैं, पिछले वर्ष में हुए हैं, उसका विवरण। क्लियर, तो यह काम करता है कौन? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री किसका अंग है? वो अंग है वित्त मंत्रालय का। क्लियर, यह रहा आपका नौवां सवाल। चलते हैं हम लोग अपने आखिरी और दसवें सवाल पर। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? देश बड़ा खतरनाक है लेकिन इंसान बहुत अच्छा। जिस व्यक्ति ने विकसित किया वह व्यक्ति पाकिस्तान का रहने वाला है, और पाकिस्तान का व्यक्ति रहने वाला है, चार नाम है, अमर्त्य सेन तो आपके भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, और इन्हें नोबेल मिला था किस बात के लिए?
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल मिला था, याद रखिएगा। मानटेक सिंह अहलूवालिया आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। फ्रिडमैन ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। अब बचे महबूबुल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया, जो आपका है HDI। अभी वर्तमान समय में भारत की रैंकिंग देखना है तो राहुल सर का वीडियो देख लीजिए, मैं नहीं बताने वाला। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस